तो यहाँ पर अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किस तरीके से शेयर हमें यहाँ पर बाइंग करने हैं किस तरीके से शेयर नहीं बाइंग करने हैं आज की डेट में उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आएंगी उन वीडियोस को जाके यहाँ पर देख लीजिएगा तो अच्छा खासा फायदा आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा एज वेल एज यहाँ पर हम कुछ पॉइंट से रिलेटेड बातें करेंगे की जैसे की अब यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी फिफ्टी गिरती हुई नजर आई है ओके यहाँ पर सारे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं उससे रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बनेगी तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक जुबिलियन फूड वर्क जिसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए तो उसी चीज के रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली के साथ आपका चैनल है जितना हो सके उतना सपोर्ट करें बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करनी है मैं अपना खुद का रिव्यू और खुद के व्यू आपके सामने रखना चाहूंगा एज वेल एज यहाँ पर देखे तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर वीडियोज खरीदी डेट में भी बनाई गई थी तो यहाँ पर उन वीडियोज को भी जाके आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और, और यहाँ पर अगर आपको हमारी कोई पर्सनल सर्विसेज चाहिए कि ऐसे मौके पर और कैसे किस तरीके से आप शेयर खरीद सकते हैं कब आपको शेयर खरीदने कब बेचने तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पिंक

यहाँ पर कुछ चीजों की तो निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी मिड कैप में कितनी अच्छी गिरावट होती हुई नजर आई आज के दिन में दो पॉइंट कल के दिन में दो मतलब अच्छे खास पांच सौ छह पॉइंट का करेक्शन हो गया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट ऑलरेडी यहां पर होती हुई नजर आ रही है और कब तक ये गिरावट होगी उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और इस तरीके की गिरावट पहले यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है अगस्त में उसके बाद एक अच्छी खासी दो महीने तक रैली चली उसके बाद अब गिरावट होती नजर आ रही है तो अभी ये गिरावट कब तक चलेगी कब तक हम यहाँ पर इस तरीके के लॉस हमें देखते रहेंगे अपने पोर्टफोलियो में और कब दोबारा की कैंडल रिवर्स होगी उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमेशा जैसे हम स्टॉक की स्टडी करते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पर एक इंडेक्स है इंडिया विक्स इसे भी देखना आप चालू करिए ओके और जैसे ये रिवर्स करना शुरू करे ना ये भी ऊपर जाना शुरू करे तो अपनी पोजीशन धीरे 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 यहाँ पर हल्की कर, करना शुरू कर दिया करे ओके और यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया करे क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये नहीं देखा जाता कि आपके पास किस तरीके के शेयर है आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर है आपके पास रिलायंस है आपके पास इंडिगो है आपके पास कौन सा छोटा शेयर है तो डजेंट मैटर यहाँ यहाँ पर ये रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोजीशन यहाँ पर हल्की करना शुरू करें, और जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दुबारा नजर आएगा तो यहाँ पर इंडिया विक्स अभी 50 डी के आसपास है तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है ये शायद यहाँ पर इक्कीस तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी ये पूरा वीक प्रॉफिट बुकिंग में ही जाएगा इसके अलावा नेक्स्ट वीक भी शायद आधा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है इसके अलावा हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की तो निफ्टी स्मॉल कैप लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ पर स्टॉक स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी हम, हम यहाँ पर गिरावट हो तो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ फिफ्टी डीएमए के नीचे आके फिर दोबारा रिवर्स पहले भी लिया था फिफ्टी डीएमए के आसपास लिया था दोबारा ऐसे क्या हो रहा है कि दोबारा यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और वो सपोर्ट क्या है वो सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये वाला ये वाला एक सपोर्ट है जहां से ये टर्न हो गया बट अगर ये ब्रीच होता है ओके okay, का ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो याद रखिएगा फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट लोएस्ट लेवल पर यहाँ पर नजर आता है जो कि पॉइंट पॉइंट की एटलीस्ट यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दे रही है तो यहाँ पर नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पर से धीरे धीरे यहाँ पर भी आपको बाइंग करनी है यहाँ भी करी थी मैंने कल भी करी थी मैंने आज भी बाइंग करी है और यहाँ पर धीरे धीरे पाइन डिप्स करते करते और जब यहाँ पर रिवर्स होगा ये कैंडल तो

बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रेटी जिसका नाम है जूविलियन फूड वर्क जो कि आज की डेट में कितना गिरता हुआ नजर आया जो कि आज की डेट आठ नौ परसेंट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया और यहाँ पर मैं बाइंग कर रहा था मैंने ऑर्डर ज्यादा लंबा लगा दिया था तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर मिले तो यहाँ पर बाइंग करना और क्यूं? क्यों क्योंकि अगर हम देखे तो यहाँ पर आज न्यूज पे अगर आप देख रहे होंगे रिजल्ट आ गया बेकार रिजल्ट आया ये और वो न्यूज वालों की मत सुना करे न्यूज से पहले सबसे पहले आप खुद की रियलिटी चेक किया करे ओके मैंने

लास्ट ईयर के रिजल्ट है सेम क्वार्टर के तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक लाख दस हजार इकहत्तर इससे पहले सत्तासी हजार इससे पहले अस्सी हजार तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर रेवेन्यू में बढ़ा तो यहाँ पर दिखाई दे रही है लैक्स इन रुपीज है टोटल इनकम की बात करें एक लाख ग्यारह हजार अट्ठासी तिरासी हजार तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे है इनकम क्या हो रही है जंप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम में भी जंप है एक्सपेंस की बात करें तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कभी एक्सपेंस बढ़ते हैं कभी घटते हैं क्योंकि दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं एक कांस्टेंट होते हैं एक वेरिएबल होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट ही होते हैं फिर उधर तो कोई चेंजेस नहीं होते बट वेरिएबल होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सपेंसिस देखिए नाइन्टी अभी इससे पहले सेवेंटी इससे पहले सेवेंटी तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं तो देखिए रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एक्सपेंस भी बढ़ते हुए आ रही है। और हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं पर exceptional तो exceptional अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट अगर बात करे, आ, लास्ट में करोड़ रुपए का exceptional था यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर रेफर नोट यहाँ पर जाके एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी बट फिर ये सब चीज हटाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा की

255, पहले 7691. तो अगर बात करें, बेसिस पे दुगना ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है ई पर ईपीएस भी अगर हम देखेंगे ना नाइन पॉइंट टू वन इससे पहले फोर पॉइंट सेवन फोर इससे पहले फाइव पॉइंट एट थ्री तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने ब्रिलियंट जैसे कहते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ पर टीवी की नहीं सुननी उन्होंने रिजल्ट नहीं देखे होते बस जो यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं स्क्रीन पे वो बोल देते हैं उनका काम वो है कि पढ़ना तो यहाँ पर वो पढ़ते हैं वो देखते नहीं है और हमें यहाँ पर देखने की आदत लगानी चाहिए किसी भी ट्रेड में देखती सा कूद जाना वो बेकार बात होती है ओके यहाँ पर रिट्रेस होती है चीजें गिरती भी है चीज अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी भागती है भागने के बाद गिरती है क्योंकि ट्रेडिंग होती है वहाँ पर ट्रेडर काम करते हैं और आप इन्वेस्टर है तो वेट किए करके थोड़ा सा नीचे फिर यहाँ पर बाइंग करे तो यहाँ पर कल की डेट में ये थोड़ा सा और गिर सकता है और जैसे ही गिरे तो एक लेवल बताऊंगा वहां पर से शेयर को उठाना शुरू कर दीजिएगा और वो शेयर फिर आपको बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे भी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर कंपनी ने धमाल मचाई दिया अब बात करते कुछ और पैरामीटर की तो जुबिलियन फूड वर्ग अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके ब्रांड देख लीजिए यहाँ पर ये यह सारे के सारे इनके ब्रांड्स है इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें डोमिनोज पिज्जा जो आप यहाँ पर खाते हैं ओके वो इसका ब्रांड है यहाँ पर एप्लीकेशन उसका है इसके अलावा डोनट से रिलेटेड जो भी एक इनका ब्रांड है यहाँ पर देख सकते हैं हॉक्स किचन एकदम पेपेज डंकिन डोनट शेफ बॉस यहाँ पर ये इनके सारे के सारे ब्रांड्स है तो एक बार जाके यहाँ पर इनकी वेबसाइट को चेक कर लीजिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीजों की तो देखिये इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर न्यूज में मैं देख रहा था तो बहुत सारे स्टोर्स भी यहाँ

मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और गिरावट की बात करें तो गिरावट ऐसी होती रहती है यहाँ पर भी हुई यहाँ पर भी हुई यहाँ पर भी और हर एक पैरामीटर पे यहाँ पर गिरावट होती रहती है और वो उस गिरावट का फायदा उठाता है जो वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाता है और हम यहाँ पर देखें तो देखिए हाइस्ट एवर यहाँ पर इस क्वार्टर के सेल्स थी और हाइएस्ट एवर इस क्वार्टर के यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए एक बार यहाँ पर आए थे बट स्टिल यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइएस्ट एवर आते हुए दिखाई दिए इसके अलावा ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है दस गुना कंपनी

यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकता है तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है तो जुबिलियंट अगर हम बात करें फूड वर्क की तो काफी बेहतरीन स्टॉक से जुबिलियंट का और यहाँ पर अगर हम बात करें डोमिनोज आप भी यूज करते हैं डोमिनोज के पिज्जा आप भी पसंद करते हैं हम भी पसंद करते हैं वो पूरा इंडिया यहाँ पर पसंद करता हुआ नजर आता है और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्टी डीएमए को दोबारा नीचे आ गया है 50 DMA को यहां पर किस करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जब भी हमने देखा है कि फिफ्टी नीचे आता है ये चीजें दोबारा भागती हुई दिखाई देती है या फिर कंसोलिडेट करके फिर भागती है तो क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स करके शेयर में थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं फिफ्टी डीएमए के आसपास आ गया है और एक लेवल की बात करूं तो सपोर्ट की तो एक सपोर्ट यहीं पर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो इसने आज देखा था लगभग थर्टी नाइन हंड्रेड के आसपास यहाँ पर आपको चीजें मिलती है तो बाय ऑन डिप्स करना यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदना और अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत तो अगर गिरता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर एक थर्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स फिफ्टी के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर थर्टी सेवन हंड्रेड तो यहाँ पर से तो गिरता है तो इस शेयर को थोड़ा सा बायोन डिप्स करना है क्योंकि गिरावट हो रही है मार्केट में तो शायद ये यह आपको यहाँ पर मिल सकता है और ये थोड़ा सा टाइम देंगे तो स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में 4500 तो तक तो जाएगा ही जाएगा उसके बाद और तेज भागता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये शेयर काफी बेहतरीन है ये सारे इसके लेवल है ये सारे रजिस्टेंस है Uh, मैं आज बाइंग कर रहा था अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बाइंग नहीं हो पाई कोई इशू नहीं है बट कल की डेट में यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट डेफिनेटली होगी और जब होगी तो हम यहाँ पर इसमें दोबारा पोजीशन लेंगे काफी बेहतरीन रिजल्ट काफी बेहतरीन हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस और कंपनी काफी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉग तो कुछ भी कमी नहीं है सब कुछ बेहतर है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और चीजों को देखना है चीजों को समझना है सीखना है उसके बाद हमें कोई पोजिशन लेनी है कहीं भी नहीं ना, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड ऐसे ही कूद जाते हैं और उन्हें यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई देता है तो ये ऐसे काम मत करिए उन्हें भी समझाता हूँ आप लोगों को भी समझा दो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस